हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, जापानी फर्म ने बनाई डेंगू की नई वैक्सीन। जापानी फर्म द्वारा विकसित एक नई डेंगू वैक्सीन कैंडिडेट का यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। यह वैक्सीन जापानी फर्म टेकेडा द्वारा विकसित की गई है और इसे TAC-003 नाम दिया गया है। टेकेडा TAC-003 की सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए चरण 3 का परीक्षण पहले ही कर चुका है। परीक्षणों में पाया गया है कि वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद डेंगू के मामलों को रोकने में यह 80.2% प्रभावी पाई गई, जबकि परीक्षणों ने अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में लगभग 90% प्रभावकारिता भी दिखाई है। यह वैक्सीन संभावित रूप से 4 से 60 साल की आयु के व्यक्तियों में डेंगू रोग को रोक सकती है। TAC-003 सीरोटाइप 2 डेंगू वायरस पर आधारित है, जो जीवित वायरस का एक कमजोर रूप है। TAC-003 को बनाने के लिए डेंगू वायरस के एक विशेष स्ट्रेन को चुना गया था, क्योंकि यह डेंगू वायरस के सभी 4 स्ट्रेनों के एक आनुवांशिक आधार के रूप में कार्य करता है। अगर इसे FDA द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो TAC-003 डेंगू रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनने की क्षमता रखती है। वर्तमान में वैक्सीन कैंडिडेट TAC-003 को केवल इंडोनेशिया द्वारा स्वीकृति मिली है। डेंगू एक जनित वायरल बीमारी है जो 125 से अधिक देशों में स्थानिक है। पिछले 2 दशकों में डेंगू के मामले विश्व स्तर पर बढ़े हैं और भारत में डेंगू एक स्थानिक बीमारी है, जिसके पिछले साल 1,93,245 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि इस साल 31 अक्टूबर तक 1,10,473 मामले सामने आ चुके हैं।